Pharmacology, specialized in the addiction amongst children, MD at Omid Foundation, to give us insights on the program. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माहौल बहुत संजीदा हो गया नहीं? हाँ, आप में से कितने लोग कबीर सिंह फिल्म देखे? आई शर्म रही ना भाई। स्टूडेंट सही वहाँ पीछे है। तो पहले क्या होता था, विलन जो है ड्रग्स लेता, ड्रग्स बेचता, हीरो की बहन को जो है इंजेक्शन देके एडिक्ट बनाता है। अब जो है हीरो ले रहा। तो जैसे कि डॉक्टर फराज और डॉक्टर असफिया जो है बहुत सारी पहलुओं पे बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ गलत फहमियों के बारे में बात करूंगा। एक सबसे अहम गलत फहमी क्या है, ऐसा कोई भी जो है अवामी बेदारी का अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद जो है आके बोलते, अरे तुम्हें बोल दिया, अब तक मेरा बच्चा इंजेक्शन ड्रग यूज नहीं कर रहा था, आप बोले के बाद शुरू कर दिया। कई को बोले भाई, हम समझते जो है बच्चों को नहीं मालूम, बच्चे हमारे से बहुत आगे हैं। और एक 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 गलतफहमी है। दूसरी जो है, आपके कितने बच्चों को, आप छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, 4 साल वहां पे बच्चे, उन मोबाइल का इस्तेमाल करने आता क्या मैं बच्चे को? माशाल्लाह, वाह वाह वाह। तो क्या है, हम समझ रहे भाई ये बच्चा सता रहा, पकाने नहीं दे रहा, काम करने नहीं दे रहा, क्या करे, मोबाइल थमा दिया। बच्चा जो है इतना एडवांस पैदा हो रहे बच्चे आजकल, एंड्रॉइड के सेटिंग्स पूरे मालूम कर ले 10 मिनट में। ये अच्छी चीज है कि खराब चीज है? हाँ, तो नए चीजों में मोबाइल फोन, इसको बोलते हैं पैसिव पेरेंटिंग, मतलब मेरे को झेलने हो रहा नहीं बच्चे को। पहले जो है जब मेरे बचपन में नर्सरी LKG नहीं होता था, डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड, अब क्या हो रहा है, झेलने नहीं हो रहा, 2 साल में डाल दो स्कूल को, बच्चों को स्कूल भेज दो, पैदा करते ही आया उसके बाद स्कूल भेज। तो बच्चा आपसे कैसा सीखेगा भाई? और आप में से कितने ऐसे जो है वालदैन हैं जिनके बच्चों के जो दूसरे दोस्त थे उनके माँ बाप को आप जानते हैं? कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपके, पहले तो मालूम नहीं बच्चा कौन सी सोहबत में जो है, बच्चे के दोस्त कौन है आप जानते हैं? उनके वालिदैन को आप जानते क्या? अगर नहीं जानते तो समझो डेंजर, बहुत बड़ा मसला है वो। तो आपके बच्चों के जो दोस्त थे उनसे मिलिए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, उनके वालिदैन को उन्हें जानिए, तब मालूम होता कि भाई अगर बच्चा कोई गलत चीज कर रहा तो पता चल जाता। ठीक है, और जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा स्ट्रेस जो आजकल बच्चों में है, हमारे पास अब तक जो है 3 ऐसे इंजेक्शन ड्रग यूज़र एडमिट हुए जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में, रेसिडेंशियल स्कूल में जो है कुछ साल गुजारे, वहाँ भी वो सीखे। तो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बच्चे कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनका टेंशन कम होता। ये अब देखिए, अब समझिए, एकदम से आपका बच्चा टी शर्ट पहनना बंद कर दिया, क्या सोचना आप, अरे कितना शरीफ हो गया? नहीं नहीं, उन्हें इंजेक्शन ड्रग यूज के मार्क्स को जो है छुपा रहा बच्चे के। और जो है बच्चा जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल जानता, माँ बाप को भी जानना है। मैं एक चीज पूछ दूं, अभी आपको ये पता है कि आपके बच्चों के पास फोन है, उसका उसको रेस्ट्रिक्ट कैसा करना चाहिए? जैसे डॉक्टर साहब बताए, रेस्ट्रिक्ट रिड्यूस टू 2 आवर्स, हाउ विल यू अचीव इट? 2 घंटे उन्हें खेलना हो गेम, कैसा मुमकिन है?
मुमकिन है गूगल जो है एक ऐप आपके हाथ में देता, उसको बोलते हैं फैमिली कंट्रोल, वो ऐप आपके मोबाइल में जो है इंस्टॉल करने के बाद बच्चे के फ़ोन को बच्चे के ईमेल आईडी से जो है जब आप सेटअप करेंगे तो उसमें पूरे ऑप्शन देगा आपको, 10 बजे के बाद बच्चे का फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता, इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ 3 घंटे दिन में होता, ये पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल करते ही आपको नोटिफिकेशन आता कि बच्चा जो है ये कुबूम 3D जैसे कि एक गेम है ऑनलाइन गेम वो इंस्टॉल किया बल्कि आपको नोटिफिकेशन आता। तो आपको खुद टेक्नोलॉजी सीखना है, आपको बच्चों से एक कदम आगे रहना है। तो कुछ बातें मैं कहते हुए अपना अपना टॉक खत्म करना चाहता हूँ।